दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने एक यूट्यूब चैनल के नीचे दूसरे चैनल को कुछ इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक यूट्यूब चैनल के नीचे दूसरे चैनल को आप कैसे ऐड करेंगे, यानी एक यूट्यूब चैनल के नीचे सेकेंडरी चैनल को आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों, चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल में लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि आप अपने एक यूट्यूब चैनल के नीचे दूसरे चैनल को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ, मेरा चैनल ये है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए मेरा चैनल का नाम है नेचर ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इसके नीचे कोई भी आपको चैनल देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक दूसरा चैनल ऐड करके आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा ये मेन चैनल है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ बैक, यहाँ पे लोगो वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपके चैनल का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके ऊपर टाइप कर देना है, उसके बाद अपने जितने भी चैनल बनाए होंगे यहाँ पे सब शो हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस चैनल को सेलेक्ट करेंगे जिस भी चैनल को आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, मुझे इस चैनल को ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा दूसरा चैनल लॉगिन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लोगों के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा योर चैनल का, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करके लिंक को इसका कॉपी कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करना है, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसके बाद सबसे ऊपर यहाँ राइट साइड में थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ डेस्कटॉप साइट को ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन या साइनिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी कर देना है क्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप कैसे दूसरे चैनल को ऐड करेंगे अपने मेन चैनल में, तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, वीडियो को ज़रा सी भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा YouTube स्टूडियो ओपन हो गया है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में आपको आ जाना है। लेफ्ट साइड में आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपका चैनल का लोगो है यहाँ पे, डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे से आपको सेकंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, कस्टमाइजेशन। तो नीचे से जो दूसरा वाला ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इस कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया, मेरे सामने चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में दोस्तों आएंगे तो नीचे लिखा है प्लस ऐड सेक्शन, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे में सबसे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फीचर चैनल का, तो आपको फीचर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर लिखा है सेलेक्ट टाइटल, मतलब आप अपने दूसरे चैनल को ऐड करना चाहते हो तो उसका कोई भी टाइटल आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ माय सेकंड चैनल, ठीक है, जस्ट एक टाइटल है, हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके नीचे देखिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, लिखा है एनी चैनल ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को अपने चैनल में ऐड कर सकता हूँ, अपने मेन चैनल में या फिर किसी दूसरे चैनल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो दूसरा वाला चैनल का लिंक कॉपी करके रखा है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिंक को क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट किया, देखिए अभी ये वेरीफाई कर रहा है मेरे सेकंड चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा दूसरा वाला चैनल ऑटोमेटिक देखने को मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, टेक पीके। तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो लोगों के बगल में इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है, और राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आ जाना है, ठीक है। देखिए सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और काम करना है, ठीक है। देखिए डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऊपर में आ जाना है,
क्योंकि ये अभी आपका डन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऊपर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए पब्लिश का एक ऑप्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ से पब्लिश करेंगे ना, तो आपने जो अपना सेकंड वाला चैनल ऐड किया है ना, वो आपके मेन चैनल में शो होने लगेगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, अब मेरे मेन चैनल में सेकंड वाला चैनल जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं अपने यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए मेरा YouTube चैनल ओपन हो गया है। इसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए पहले कोई भी चैनल यहाँ पे ऐड नहीं था, लेकिन अभी मेरा दूसरा चैनल यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अब कोई भी मेरे चैनल पे आएगा तो मेरे दूसरे भी चैनल उसको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपने सेकंड चैनल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी दूसरे चैनल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक